सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अंबिकापुर के कला केंद्र में मैदान में सर्व समाज यादव स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत यादव समाज के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों ने यादव समाज के मंच से विधानसभा चुनाव में यादव समाज को सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ में 5 सीट देने की बात कही गई। वहीं यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने हमारी सभी मांगों को मान लिया है, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकार दृढ़ संकल्पित है। यादव समाज का सम्मेलन था, सामाजिक सम्मेलन, और यादव समाज का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, इस देश के निर्माण में योगदान रहा है। और यादव समाज को यहाँ जो अधिकार, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया है, न केवल यादव समाज बल्कि अन्य जो जाति जो 13 दिसंबर 2005 के पहले काबिज हैं और 3 पीढ़ी से निवास कर रहे हों, उनको सबको हितग्राहियों को मिलेगा। इसका यह कार्यक्रम आशा से भी बहुत ज़्यादा अधिक हुआ और लोगों में बड़ी उत्साह थी, और इस उत्साह का परिणाम था कि बहुत सारे संख्या में लोग, 50,000 की संख्या में लोग आए। लगभग सभी मांगे पूरे, पट्टा देने का उन्होंने कही दिया कि किसी भी कीमत पर पट्टा रुकना चाहिए, 2005 के पहले जो लोग काबिज हैं उनको दिया जाएगा, आपके सामने घोषणा की। चिलिंग प्लांट का उन्होंने घोषणा कर दी दूध डेयरी के लिए, और तीसरी घोषणा भवन के लिए भी कर दी। और देखिए, सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के लोग, दोनों दलित के लोगों को बुलाते हैं, इसलिए लगातार ये चलता है। फिर भी यादव समाज का ये सम्मेलन ऐतिहासिक है। यदि वंशियों का जिस प्रकार से इतिहास गौरवशाली वैभवशाली रहा है, आज उन्होंने बस सरगुजा संभाग में ये शानदार आयोजन किया, बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। मैं समाज के सभी लोगों को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समाज के लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 2 दिवसीय अंबिकापुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको देखते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सशक्तिकरण अभियान के तहत जनता को जोड़ने का प्रयास करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिससे विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में मदद मिल सके। रूप से आज छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन की हवा चल रही है, और 4.5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, जन घोषणा पत्र के कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, आज छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया। रायपुर में नगरीय प्रशासन ने शहर के सभी मुस्लिम बाहुल इलाकों में विशेष सफाई का निर्देश दिया है, जिसके बाद भाजपा ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा कि ये विशेष सफाई का आदेश काश रामनवमी, नवरात्रि और दिवाली पर भी मिलता। वहीं भाजपा के ट्वीट का कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और करारा तंज कसते हुए कहा, वैसे तो छत्तीसगढ़ की जनता ने एक विशेष सफाई अभियान 2018 में चलाया था, जिससे काफी राहत मिली जनता को। शांति समिति की बैठक में हर त्योहार से पहले ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। सांप्रदायिक चश्मे से सिर्फ ईद दिखती है, होली नहीं, 2023 में ठीक से सफाई होगी। खबर जगदलपुर से है, जहां के विधायक राजमन के बेजाम ने दरबा के ब्लॉक प्राथमिक शाला
कोइकीपारा में शिक्षा विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त कक्ष लागत 4.71 लाख और माध्यमिक शाला बीसपुर में अतिरिक्त निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान बास्तानार ब्लॉक के एक गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत सिंगल विलेज नल जल प्रदाय कार्य का भूमि पूजन किया गया। वहीं इस दौरान विधायक बेजाम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में घर घर पानी पहुंचाने का काम कर रही है। गरियाबंद के ग्राम पंचायत खैरझीटी में लोग पानी की विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। पूरे गांव में 4 बोर हैं, लेकिन एक ही बोर पंप फिलहाल चालू है। ग्रामीणों की माने तो लोग सुबह से पानी के लिए लाइन में लगते हैं और दोपहर तक भारी जद्दोजहद के बाद पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। सरपंच अपनी नाकामियों को छिपाते हुए पूरे मामले में पीएचई विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। तो वहीं पीएचई विभाग के अधिकारी के अनुसार गांव में किसी भी तरह की कोई पानी की समस्या नहीं है। केंद्र सरकार पंचायती राज में ग्रामीण सरकार यानी पंचायतों को 15वें वित्त मद और मूलभूत मद से लाखों रुपए की राशि जारी करती है, लेकिन पंचायत में बैठे जिम्मेदार लोग मिलने वाली राशि का दुरुपयोग कर असुविधा होने पर सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ कर अपनी नाकामी छिपाते हैं। को जानकारी भी दे चुका हूं कि एक पंप में पानी नहीं निकल पा रहा है, तो उसको पंप डलवाने के लिए बोले हैं। आज कल ही एसडीओ साहब से मेरे बात हुई है, पानी की बहुत समस्या है भैया। और यहाँ क्या है, वाटर लेवल नीचे चला गया है, 300 फीट तक के खुदवाए हैं। यहाँ तो कम से कम 1000 फीट खुदवाएंगे तभी पानी सफल और सक्सेस होंगे। क्या है, मैं 2-3 बार जानकारी दे चुका हूँ कि ऐसा ऐसा समस्या है नल जल योजना में, तो आकर पाइप डलवा दीजिए। और जो लगे हैं वाल चैम्बर, उसमें नहीं लगे है चिम्बर का। बहुत हाहाकार है साहब, आऊ बोर हावे 4-5 ठन, सब मोटर लगे है, सब सूखा है, पानी मात्र के ठन चलत है। यहू हो गए ना तन हमर गांव में टंकी आ गई, नहीं फिर गए नहीं। वो नल मान के कोई ठिकाना नहीं, टंकी में पानी चीनी जाएगा, पानी चीनी भरत है। ओ 4 बजे से चालू है, चालू ते गए दिन भर, अहू में ले दे करके अहू पूरा होते। जगदलपुर के नगरनार में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें कि ये हादसा नगरनार तालाब में हुआ है। 3 बच्चों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद संसदीय सचिव रेखचंद जैन कलेक्ट्रेट चंदन कुमार हॉस्पिटल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। नगरनार ग्राम पंचायत में बड़ा दुखद घटना हुआ है। इसमें एक तालाब में नहाते हुए 3 छोटे बालक आज वो डूब गए और इससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत यहाँ पे हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए लाया गया है, बट उनको अभी हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया है और जो भी इसके संबंध में राहत राशि वगैरह होते हैं उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। और निश्चित तौर पर मैं आप लोग के माध्यम से भी इनके सभी माँ बाप को सांत्वना भी देना चाह रहा हूँ और उनसे मैं मिला हूँ, और जो भी शासन से राहत की व्यवस्था हो सकेगी हम लोग उनके लिए करेंगे। जगदलपुर में सरयू पारिड़ ब्राह्मण समाज ने आगामी 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए बैठक की, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को दायित्व दिया गया। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के संभागीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में ब्राह्मणों को अपनी ताकत पहचानने पर बल दिया और कहा एक ब्राह्मण 100 पर भारी है। उन्होंने कहा ब्राह्मण जहाँ भी गया है वहाँ विकास के नए आयाम गढ़े हैं। वहीं कल परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सुबह पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसके बाद शाम को एक विशाल बाइक रैली का भी आयोजन किया गया है, जो शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों से होकर दंतेश्वरी मंदिर में समाप्त होगा। जगदलपुर के नगरनार में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों और कलेक्ट्रेट से घटना की जानकारी ली। साथ ही परिजनों को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है और मृत 3 बच्चों के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। आज बड़ा गजब हादसा घटा है मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगरनार क्षेत्र में।
गोदी मुंडा तालाब में तीन स्कूली बच्चे प्रियांशु विक्की बेसरा और प्रमोद गोयल, ये बच्चे नहाने के लिए गए थे और पानी में डूबकर उनकी डेथ हो गई। मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने तत्काल जिला प्रशासन से बात की, हॉस्पिटल पहुंचा, उनके परिजनों से मिला, इनकी निधन हो चुका था तो इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई और तत्काल इनको सब इसको लेकर पुनः मैं नगरनार पहुंचा। इनके परिजनों को ढांढस बताते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और कलेक्टर बस्तर और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैंने इसकी जानकारी दी। दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन की ओर से अवैध रेत खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट के निर्देशानुसार खनिज जांच दल के जिले के बालूद और मसेनार क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया, जहां रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई की गई और 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जगदलपुर के हृदय स्थल चांदनी चौक में ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए एक ट्रक पलट गया, जिसकी सूचना मिलते ही यातायात पुलिस के साथ ही कोतवाली थाना प्रभारी और नगर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इस पर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। भद्राचलम से रायपुर की ओर जा रही थी, इसमें करीब 5-6 लाख रुपए की आम लोड थी, आम से भरी हुई ट्रक और ड्राइवर की हल्की सी झपकी लगी और जो सामने चांदनी चौक के पास जो डिवाइडर था उसे गाड़ी जाट कर लगी और ट्रक पलट गया, जिससे कि आम बाहर जो ड्राइवर थे और साथ में जो उसके सहायक थे सभी सुरक्षित थे, किसी को। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।